टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मुंचंदा और आप देख रहे हैं कपास पर विशेष, कपास बनाम सफेद सोना। मैं कपास के आंकड़ों और उसके भविष्य की बात करूं, आपको बता दूं कि पिछले एक महीने में कपास की कीमतों ने सफेद कपास को सफेद सोने में बदलना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से कपास साल 2022 के तेजी के घोड़े पर सवार है। बस देखना यह है कि साल 2022 की तरह कपास की कीमतों का नया कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाबी मिलती है या फिर नहीं। साल 2022 में कपास ने अपने सबसे उच्चतम स्तर 13,000 रुपए के स्तर को छुआ था, लेकिन फिलहाल कपास 6,000 रुपए के घरों से निकलकर 8,000 रुपए प्रति क्विंटल के घरों में पहुंच चुकी है। ये 2,000 रुपए प्रति क्विंटल की जो तेजी है, बीते मात्र केवल 30 दिन यानी कि एक महीने में देखने को मिली है। मार्केट टाइम्स टीवी अपनी रिपोर्ट में आज ये बताएगा कि कीमतें कहां तक जा सकती हैं और कब तक ये स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हमें और आपको उन तथ्यों को भी जान लेना चाहिए और उनकी थोक बजा करके जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, जिनकी वजह से तेजी की ये ब्याज आई है। ये भी जांच लेना चाहिए कि ये तेजी कितनी मजबूत होगी और स्तर क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम उत्पादन की बात कर लेते हैं और उत्पादन में भी सबसे पहले बात भारत की करते हैं। भारत का इस साल का उत्पादन फिसला है। जी हाँ, चालू सीजन यानी कि साल 2023-24 के कपास सीजन में भारत का कपास उत्पादन अपने 15 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचा है, जिससे न सिर्फ देश में बल्कि विदेशी बाजारों में भी हलचल पैदा हो गई है। भारत का चालू सीजन 2023-24 में कपास का उत्पादन लगभग 7.5% से घटकर 295 लाख बेल रहने का अनुमान है। ये जो मैं बेल की बात कर रहा हूं, भारतीय बेल है। एक बेल में 170 किलोग्राम कपास आती है, जो कि साल 2008 के बाद यानी कि 15 सालों में ये सबसे कम उत्पादन है 295 लाख बेल का। भारत में अलीलो के चलते मौसम पर ऐसी मार पड़ी कि कपास का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम हो गया। चालू सीजन में किसानों ने कपास का बोई क्षेत्रफल भी कम कर दिया। चालू सीजन में करीब 2 लाख हेक्टेयर कपास का रकबा कम हुआ है। आपको बता दें कि एक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय जो बेल है कपास की, उसके अंदर 170 किलो कपास आती है, जबकि अमेरिकी बेल की अगर मैं बात करूं तो उसमें 217 किलो कपास आती है, 480 एलवी काउंट की जाती है इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। सीआईए ने मुहैया किए हुए जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक चालू सीजन में गुजरात में करीब 85 लाख बेल का उत्पादन हुआ है, महाराष्ट्र से 76 लाख बेल का उत्पादन है, तेलंगाना से 30 लाख बेल, तो वहीं कर्नाटक से 18,50,000 बेल का उत्पादन है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश से 18 लाख बेल और हरियाणा से 16 लाख बेल का उत्पादन संभावित है। पंजाब में उत्पादन 4,50,000 बेल है, यहां पर रकबा कम हुआ है। ऊपरी राजस्थान की बात करूं तो ऊपरी राजस्थान में 11 लाख बेल और निचले राजस्थान में 11,50,000 बेल का उत्पादन संभावित माना जा रहा है। जहां भारत में कपास का कुल उत्पादन 295 लाख भारतीय बेल का अनुमान है,
प्रोडक्शन और जो कंजम्पशन है उसके बीच में एक बड़ा गैप है। लेकिन 17 लाख बिल जो यहाँ पर कम उत्पादन देखने को मिल रहा है वो उसकी जो भरपाई है वो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पूरी कर रहा है। भारत का 22 लाख का बिल का जो आयात है वो इसकी भरपाई करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में एक्सपोर्ट भी है। भारत में बीते साल का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 28,90,000 बिल का है, जबकि भारत यहाँ निर्यातक देश रहा है, वहां इसे अपने निर्यात से ज्यादा आयात करना पड़ रहा है। चालू सीजन में भारत करीब 22 लाख बेल का इंपोर्ट कर रहा है, आयात कर रहा है, जबकि निर्यात केवल 14 लाख बेल का ही है। यह तो बात थी भारत। तो भाई बात कर लेते हैं देश को जितनी खपत चाहिए, कपास की आयात, बीते साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक, ये सब मिला करके ठीक ठाक आंकड़ा बैठ रहा है, थोड़ा सा सरप्लस में ही जाएगा, 295 प्लस जो इंपोर्ट है 22 लाख के आसपास का, फिर इसके बाद कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है। लेकिन बात यह आती है कि ये तेजी बनी कैसे? अब मैं आपको बताऊंगा ये तेजी कैसे बन रही है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से, जहां से ये तेजी उठ करके आई है, क्योंकि चालू सीजन में विश्व स्तर पर कपास का जो उत्पादन है वो अपने 7 साल के लोएस्ट लेवल्स पर है, 7 साल के न्यूनतम स्तर पर चला गया है। भारत का 15 साल के न्यूनतम स्तर पर, विश्व का 7 साल। विश्व में फिलहाल कपास का कुल उत्पादन 3% कम हुआ है। अगर हम साल 2022-23 के मार्केट साल की बात करें तो साल 22-23 में विश्व भर में कपास का कुल उत्पादन लगभग 1163 लाख अमेरिकी बेल था, जो कि इस साल घटकर 1130 लाख अमेरिकी बेल रहने की संभावना है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जो मैं अमेरिकी बेल की बात कर रहा हूं उसके अंदर जो क्वांटिटी है कपास की वो 480 एलपी की होती है, यानी कि 217 किलो, जबकि भारतीय जो बेल है वो 170 किलो। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब ये देखने की बात है कि 7 साल का लोएस्ट लेवल 3% की गिरावट पूरे इंटरनेशनल मार्केट को जिसने हिला करके रख दिया है। अब कहां कहां कितना कितना प्रोडक्शन है, कितनी कितनी डिमांड निकल रही है, उस पर हम बात करते हैं। अमेरिकी बेल के मुताबिक विश्व भर में 33 लाख बेल का उत्पादन कम है, जबकि भारतीय जो बेल का जो आंकड़ा है, जो पैमाना है, उसके मुताबिक 42 लाख बेल का उत्पादन कमजोर है। विश्व स्तर पर अमेरिका, चीन और अर्जेंटीना समेत भारत का उत्पादन फिसला है, यानी भारत, चीन और अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन डाउन हुआ है, अर्जेंटीना में प्रोडक्शन डाउन हुआ है, जबकि ब्राजील, पाकिस्तान का जो प्रोडक्शन है उसमें हमें इजाफा हो रहा है। ब्राजील का तो रिकॉर्ड उत्पादन है, लेकिन उसके बावजूद विश्व स्तर के ऊपर हमने उत्पादन के अंदर कमी देखी है और प्राइसेस के अंदर में जड़। अब एक एक करके पूरे देशों के जो उत्पादन है उसकी भी पड़ताल कर लेते हैं और भारत में कपास के दामों में जो उछाल होगा और क्या जिन किसानों के पास इस समय पर कपास को रोकने की ताकत है और जिन्होंने कपास को होल्ड किया है उन्हें क्या भाव मिल सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात अमेरिकी बाजारों की और अमेरिका की, क्योंकि वहां से बड़ा इंपैक्ट है भारतीय बाजारों के ऊपर। इस साल अमेरिका का कपास का उत्पादन 16% कमजोर है। अमेरिका में कपास का बुआई रकबा घटा है, साथ ही अमेरिका में प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कमजोर हुआ है। साल 2022-23 में अमेरिका का बुआई क्षेत्रफल 29,50,000 हेक्टेयर था, जो साल 2023-24 में घटकर 28,60,000 रह गया है, यानी बीते साल के मुकाबले 90,000 हेक्टेयर कम उत्पादन क्षेत्र। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो 2022-23 में 1,068 किलोग्राम का प्रति हेक्टेयर का वहां पर उत्पादन था, जो अब कम होकर 921 किलोग्राम का रह गया है, यानी प्रति हेक्टेयर 147 किलो का प्रोडक्शन कमजोर। आप समझ सकते हैं
इतनी बड़ी क्वांटिटी होगी। अब कल कुल उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो 144,70,000 रेल से घटकर ये 121 लाख रेल पर रह गया अमेरिका का कुल उत्पादन। अमेरिका का कुल कपास का उत्पादन बीते साल के मुकाबले 23,70,000 बेल कम है। अब बात पड़ोसी देश चीन की, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और फिर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की भी, लेकिन उसमें सबसे पहले बात चीन की करेंगे। और आपको मैं बता दूं, आपको बड़ी हैरानी होगी चीन के आंकड़ों को समझ करके, क्योंकि भारत का जो रकबा है उससे 6 गुना कम पर एक तो चीन खेती करता है और उत्पादन भारत से ज्यादा लेता है, यानी कि भारत चीन से 6 गुना ज्यादा रकबे में कपास उत्पादन करता है और उत्पादन चीन से कम है भारत का। हमें इस ओर ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। चीन का कपास का कुल उत्पादन रकबा 29 लाख हेक्टेयर का है, जबकि भारत का 127 लाख हेक्टेयर। देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है, लगभग 6 गुना। अब चीन का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2,065 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। बहरहाल बीते साल के मुकाबले इस साल चीन का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी फिसला है। साल 2022-23 में चीन का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2,122 किलो का था, लेकिन इस साल 2,065 किलो प्रति हेक्टेयर है, यानी चीन का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 57 किलोग्राम कम हुआ है, जो कुल बुआई रकबा भी यहां पर 31,50,000 हेक्टेयर से कम होकर के 29 लाख हेक्टेयर पर आ गया है। यानी प्रोडक्शन का जो एरिया था, क्षेत्रफल था, वो भी कमजोर हुआ है, प्रोडक्शन भी कमजोर हुआ है। और साल 2022-23 की अगर मैं बात करूं तो 307 लाख अमेरिकी बेल का उत्पादन था, जो इस साल घट करके 275 लाख अमेरिकी बेल रह गया है। और भारत का आप जान ही रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चीन और भारत का उत्पादन का अंतर देखिए। यहाँ चीन केवल 29 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती कर रहा है, 275 लाख अमेरिकी बेल का उत्पादन ले रहा है। वही भारत, जिसकी मैं बात कर रहा था, 127 लाख हेक्टेयर से केवल मात्र 255 लाख अमेरिकी बेल की खेती ले रहा है। देखिए कितना बड़ा गैप है, प्रोडक्शन में भी, एरिया में भी 6 गुना लगभग, बावजूद 20 लाख अमेरिकी बेल का उत्पादन जो है वो ज्यादा कर रहा है अमेरिका और चीन। तो आप समझ सकते हैं, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही ले लीजिए। अब पाकिस्तान में कपास के उत्पादन के अंदर में 70% का इजाफा देखने को मिला इस साल। भारत का प्रोडक्शन कम हुआ, पाकिस्तान का प्रोडक्शन बढ़ा। जब भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का साल 2022-23 में कपास का कुल उत्पादन 39 लाख अमेरिकी बेल था, जो कि साल 2023-24 में 67 लाख अमेरिकी बेल हो गया है। 39 से सीधा जंप किया 67। वहीं ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, अफ्रीकी देशों, मसलन माली की अगर मैं बात करूं, कोटे का अवयोग की बात करूं, में कपास के उत्पादन में 20% से 80% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अमेरिका, चीन और भारत से मिलने के चलते पूरे विश्व का जो कपास का उत्पादन है वो लुढ़क गया है। इन टोटलिटी अगर उसका कुल टोटल भी कर लिया जाए, बड़े होने का भी और कम होने का भी, तो पूरे विश्व के अंदर में जो कपास है उसकी किल्लत पैदा हो गई है। ब्राजील में प्रति हेक्टेयर कपास का उत्पादन जबरदस्त रहा है और कुल उत्पादन में ब्राजील को 24% का इजाफा मिला है। ब्राजील में 16,60,000 हेक्टेयर में कपास की खेती हुई, जबकि साल 2022-23 में ब्राजील का कपास का रकबा करीब 16 लाख हेक्टेयर था, यानी कि 60,000 हेक्टेयर में एक तो ज्यादा खेती देखने को मिली। लेकिन सबसे चौंकाने की बात यह रही है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में ब्राजील को बड़ी कामयाबी मिली है। यहीं पर ही भारतीयों को काम करने की जरूरत है, यहीं पर भारत के किसानों को भी काम करने की जरूरत है। ब्राजील में प्रति हेक्टेयर का उत्पादन साल 2022-23 में 1,595 किलो का था, जो कि साल 23-24 में 1,910 किलो का, यानी करीब 315 किलो प्रति हेक्टेयर में इजाफा। ब्राजील का साल 2023-24 में कपास का कुल उत्पादन 117 लाख अमेरिकी बेल से बढ़कर 146 लाख अमेरिकी बेल रहने की संभावना है। वहीं अर्जेंटीना का कपास उत्पादन लगभग 12 लाख अमेरिकी बेल से बढ़कर
रहने की संभावना है। आप देखिए कितना बड़ा यहाँ पर गैप वो दिखाई दे रहा है, और यहीं पर उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है। एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर में 1163 लाख अमेरिकी बेल का उत्पादन गुड़क करके 1130 लाख अमेरिकी बेल है, जहाँ घरेलू बाजार में भारत की मांग और सप्लाई तो ठीक ठाक है, उससे कीमतों पर ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन विश्व बाजार के चलते कीमतों का असर भारतीय कपास बाजार के ऊपर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर में 100 सेंट के ऊपर अमेरिकी बेल पहुंच गई है, क्योंकि भारत की 22 लाख बेल विदेशी बाजारों से खरीद हो रही है, और विदेशी बाजारों में अगर कपास की कीमतें तेज हैं तो घरेलू बाजारों पर भी इसका असर दिखना तय है, क्योंकि हम अगर महंगा इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट यहाँ घरेलू डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी तो दिखाई देगा। मार्केट टाइम्स की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कपास की कीमतें साल 2022 की तरह 13,000 रुपए प्रति क्विंटल की तरफ बढ़ भी रही है, और 22 की जो रिकॉर्ड तेजी को यहां पर अनुमान है कि तोड़ा जा सकता है, यानी कि प्राइस 13,000 रुपए के स्तर को 2024 में तोड़ सकते हैं। अगले 3 महीनों की अगर मैं बात करूं तो अगले 3 महीने में कपास की कीमतें 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर को तोड़ सकती है, और अगर 10,000 रुपए के स्तर अगर 15 दिन भी ये मेंटेन हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, 15 दिन अगर 10,000 रुपए के ऊपर अगर बाजार कारोबार करने में कामयाबी हासिल करता है तो 13,000 रुपए का स्तर दूर नहीं है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इस समय पर सफेद सोना कपास 2022 की रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अगर किसान यहाँ पर भारत के जो किसान है थोड़ा सा ये रिसर्च करें कि चीन और ब्राजील का प्रति हेक्टेयर उत्पादन इतना अधिक क्यों है, और जबकि उसका जो प्रोडक्शन एरिया है वो आपके प्रोडक्शन एरिया से 6 गुना कम है, तो वहां पर आप निरीक्षण कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट के बीच के अंदर में अपना जो शेयर परसेंटेज है उसको आप बढ़ा सकते हैं। मार्केट टाइम्स टीवी की ये रिपोर्ट आपको निश्चित तौर के ऊपर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों पर आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी समय रहते इस रिपोर्ट से फायदा ले सके, और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर भी इस समय पर कपास को लेकर के क्या सिनेरियो है वो भी जान सके। कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, सदा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि जल्द ही अगली रिपोर्ट लेकर मैं आपके समक्ष आ रहा हूं, इस समय पर विश्व के बाजार से। नमस्कार।